प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रदेश के हिस्से 2800 करोड़ रुपए आने वाले हैं। इस धनराशि से प्रदेश में 2400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ये बात लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस बजट से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछेगा। जिन क्षेत्रों में अभी तक सड़कें नहीं पहुँच पाई है, वहाँ आवाजाही आसान होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बजट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मुख्य मंजूरी मिलते ही सड़कों के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि PMGSY के इस बजट से ग्रामीण सड़कों के सुधार में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि अपर शिमला में इस बजट का बड़ा हिस्सा खर्च किया जाएगा। 78 करोड़ रुपए ठियोग और कुमार सेन में ही खर्च होंगे। इनमें कुमार सेन की 28 करोड़ रुपए की दो सड़कों को इस योजना में डाला गया है। इसके अतिरिक्त ठियोग की फागु ठियोग सेन सड़क को इस योजना के तहत 30 करोड़ रुपए से अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुमार सेन खंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 1 और 2 के तहत 20 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं और जल्द ही इस योजना का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।